नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया, आपके साथ मैं हूं सनी कुमार। नई सरकार के बने ठीक से अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं कि जो मौजूदा स्थिति देखने को मिल रही सरकार में, यानी कि एनडीए गठबंधन में, चाहे जदयू हो या फिर भाजपा हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे पर हमलावर है, चाहे किसान बिल को लेकर हो या फिर और भी तमाम मुद्दों को लेकर। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचे थे अपने एक स्थान पर, जहाँ पर उनसे मीडिया बंधुओं ने पूछा कि कैबिनेट का विस्तार कब होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार होगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन मोटे तौर पर कह दिया कि जो कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार करने में, जिसको लेकर आज मैंने बातचीत की राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से। क्या कुछ कहना है उनका, आखिर क्यों मुख्यमंत्री इतने मजबूर है, क्यों मुख्यमंत्री कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, आइए सुनते हैं मृत्युंजय तिवारी की जुबानी। हाँ सर, आज मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं बातों ही बात में बोल दिया कि कहीं ना कहीं नहीं बोला मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि बीजेपी के कारण मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। पहली बार देखने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी इतना लाचार हैं देखने के लिए मिल रहा है, तो कभी भी गिर सकता है बिहार में एनडीए सरकार। आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी बहुत खेल बाकी है। कौन सा खेल बाकी है, कौन सा खेल बाकी है, सब आपको आज ही बता देंगे, अभी खरमास तक इंतजार की। खरमास के बाद मुख्यमंत्री का कहना है कि कैबिनेट का विस्तार होगा, तो वो कैबिनेट का विस्तार करेंगे कि तेजस्वी सरकार बनेगा, ये तो अभी खरमास के बाद ही पता चलेगा। तो आपने देखा मृत्युंजय तिवारी साफ तौर पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, खास तौर पर जदयू को घेरे और कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथी और मुख्यमंत्री बने, तभी जब भाजपा के 2 डिप्टी सीएम नियुक्त हो गए, तभी से नीतीश कुमार को परेशानी होने लगी थी, यानी कि मुख्यमंत्री को परेशानी होने लगी थी, क्योंकि जब तक 2 डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के बताए गए किसी भी कानून पर या फिर किसी भी काम के डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तब तक मुख्यमंत्री की बात पूरी नहीं होगी, उनके आदेश का पालन नहीं हो सकेगा, तभी मुख्यमंत्री परेशानी में आ गए थे। और अब जो स्थिति देखने को मिल रही है, मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा होनी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज कहा कि खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। हालांकि मोटे तौर पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि जो भाजपा है उन्हें बांध के रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, यह सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है, और बहुत जल्द यह जो सरकार एनडीए की गिरेगी, या फिर यह भी हो सकता है कि बहुत जल्द तेजस्वी यादव की सरकार भी बनेगी, यानी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसी संभावनाएँ हैं, साफ तौर पर कहना है राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए आप जुड़े रहे लाइव इंडिया के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। कैमरा पर्सन समर डे के साथ मैं सनी कुमार, लाइव इंडिया।